मिस एक्सेल, आज मैं लॉ स्प्रिंग की समरी बताने जा रही हूँ। स्टूडेंट्स, चैप्टर के एंड में मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स भी डिस्कस किए हैं। समरी के साथ साथ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए हैं। इन पॉइंट्स को आप एग्जाम में अपने आंसर्स में लिख सकते हो। स्टूडेंट्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लॉ स्प्रिंग एनिस जंग द्वारा लिखी गई बुक लॉ स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया गया है। ऑथर ने चाइल्डहुड को स्प्रिंग सीजन के साथ कंपेयर किया है और कहा है कि जिसे सारे सीजन में से स्प्रिंग सीजन सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इसी सीजन में सभी तरह के फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, खिलते हैं। उसी तरह चाइल्डहुड ह्यूमन लाइफ का सबसे अच्छा फेज है, जब हम पढ़ाई करते हैं, सपने देखते हैं अपने उज्जवल भविष्य का और अपने टैलेंट को डिस्कवर करते हैं। लेकिन जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं वो दो ऐसे बच्चों की स्टोरी है जिनका बचपन गरीबी और जिम्मेदारियों ने छीन लिया है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम लॉ स्प्रिंग है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में दो स्टोरीज हैं। पहला स्टोरी है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, जो कि साहिब के बारे में है। वह एक रैग पिकर है। वह अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कूड़ा बिनने का काम करता है। वह कूड़ा के ढेर में से पैसे और खाना ढूंढता है ताकि अपना और अपने परिवार का पेट भर सके। साहिब और उसका परिवार रैग पिकिंग से गुजारा करता है। वे लोग बांग्लादेश ढाका से आए हैं और सीमापुरी में रहते हैं। हमारा दूसरा स्टोरी है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, जो कि मुकेश के बारे में है। मुकेश फिरोजाबाद में रहता है और वह एक चाइल्ड लेबर है। वह सपने देखता है एक मोटर मैकेनिक बनने का, कार ड्राइव कर सीखना चाहता है। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी पहली स्टोरी स्टार्ट करते हैं जो कि साहेब के बारे में है। एक दिन ऑथर एक बच्चे को कूड़े के ढेर में से कुछ ढूंढते हुए देखती हैं। ऑथर उसके पास जाती हैं और उससे उसका नाम पूछती हैं। वह अपना नाम साहेब बताता है। ऑथर पूछती हैं कि वो ये सब क्यों कर रहा है और वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। इस पर साहेब कहता है कि उसके पास कूड़े बिनने के अलावा और कुछ काम ही नहीं है और उसके घर के पास कोई स्कूल भी नहीं है जहाँ वो जा सके और पढ़ सके। ऑथर साहिब को बिना कुछ सोचे समझे कहती हैं कि अगर वह उसके घर के पास स्कूल खोले तो क्या वह पढ़ेगा। साहिब बड़ी ही खुशी के साथ हाँ कहता है। साहिब जब दूसरी बार ऑथर से मिलता है तो वह उनसे पूछता है, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है। इस पर ऑथर को बड़ा ही एम्बैरेसमेंट फील होता है। उन्होंने तो साहिब को ऐसे ही बोल दिया था। साहिब का पूरा नाम साहिब आलम है। ऑथर कहती हैं, इस बेचारे बच्चे को अपने नाम का मतलब भी नहीं पता। साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का राजा। साहिब के नाम में आयरनी है। आयरनी का मतलब होता है ओपोजिट टू द मीनिंग, मतलब है तो वह ब्रह्मांड का राजा और कहाँ वो रैग पिकिंग करता है, लोगों के फेंके गए खाना और चीज़ों पर वो जीता है। उसके नाम में मजाक है। वो बेयर फुट नंगे पांव अपने रैग पिकर्स दोस्तों के साथ गलियों में कूड़े के ढेर ढूंढता फिरता है और जहाँ उसे कूड़ा का ढेर दिखता है वो ऐसे जंप करता है मानो उसे कोई बड़ी चीज़ मिल जाएगी। वहाँ गार्बेज उसके लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। साहेब के परिवार की तरह 10,000 रैग पिकर्स सीमापुरी में रहते हैं, जो कि दिल्ली के किनारे बसा है। ये लोग बांग्लादेश से आए हैं। इन लोगों के घर मिट्टी से बने हैं, टिन, प्लास्टिक और घास से बनी छतों के नीचे रहते हैं। ये लोग काफ़ी पथाटिक कंडीशन में रहते हैं, दयनीय हालत में रहते हैं। ना इन्हें पीने का साफ पानी मिलता है और ना ही ये लोग जहाँ रहते हैं वहाँ नालियाँ बनी हैं। ये बहुत ही गंदगी में जीते हैं और बिना किसी आइडेंटिटी के वहाँ रह रहे हैं। लेकिन उनके पास राशन कार्ड है जिससे उसका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है और उससे वे अनाज खरीद सकते हैं। रैग पिकर्स कहते हैं, जिंदा रहने के लिए खाना ज़रूरी है, पहचान नहीं। वे दिन भर दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए संघर्ष करते हैं और उनके बच्चे इस संघर्ष में उनका सपोर्ट करते हैं, सहायता करते हैं। उनके लिए गार्बेज गोल्ड है क्योंकि ये उनकी रोजी रोटी है,
उनके सिर के ऊपर छत है, साहिब जैसे बच्चे गार्बेज हिप्स में से पैसे भी ढूंढते हैं। एनियस जंग साहिब को एक दिन नेबरहुड क्लब के बाहर खड़ा देखती है। वो बड़े ही ध्यान से प्लेयर्स को टेनिस खेलते हुए देखता है। साहिब सोचता है वह भी टेनिस खेले, वह भी शूज पहने। साहिब ने फटे हुए शूज पहने हैं, वे जूते किसी रईस लड़के के फेंके हुए हैं। बेयरफुट घूमने वालों के लिए छेद वाले जूते भी किसी सपने के सच होने के समान है। ऑथर कहती हैं, साहिब जिस खेल को इतने ध्यान से देख रहा है वह उसकी पहुंच से बाहर है। उसे पता नहीं कि ये अमीरों का खेल है और वह यह खेल नहीं खेल सकता। एनिस जंग एक सुबह साहिब को मिल्क बूथ की तरफ जाते हुए देखती है। उसके हाथ में स्टील का कैनिस्टर है। साहब बताता है कि अब वो रैग पिकिंग नहीं करता है, उसे अब टी स्टॉल में 800 रुपये महीने की नौकरी लग गई है। उसका मालिक उसे खाना भी देता है। ऑथर कहती हैं, साहिब के चेहरे में अब वो खुशी नज़र नहीं आ रही थी। उसके फेस में वो केयरफ्री लुक नहीं था, वह उदास नज़र आ रहा था। एनिस जंग इसका कारण पूछती है तो वह बताता है कि स्टील का कैनिस्टर प्लास्टिक बैग से भारी लगता है क्योंकि ये केन उसके मालिक का है। उसे अपने मालिक के हुक्म का पालन करना पड़ता है, इसलिए तो वो बर्डन और अनहैप्पी फील करता है। अब वो खुद का मालिक नहीं रह गया है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी पहली स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। हमारी दूसरी स्टोरी मुकेश का है, जो कि एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। वो कार चलाना सीखना चाहता है। वो फिरोज़ाबाद की एक धूल भरी गली में रहता है। फिरोज़ाबाद बैंगल्स के लिए फेमस है। मुकेश के परिवार की तरह वहाँ हर दूसरा परिवार बैंगल्स बनाने के काम में जुटा है। लगभग 20,000 बच्चे गैर कानूनी ढंग से हाई टेम्परेचर वाली ग्लास फर्नेस में काम किया करते हैं। वे डिंगी सेल में काम करते हैं जहाँ ना तो वेंटिलेशन है, प्रॉपर लाइट है। उन्हें डिम लाइट में ही काम करना पड़ता है। वे बदबूदार गलियों में रहते हैं जहाँ चारों तरफ कचरे का ढेर है। नालियाँ कचरे से ब्लॉक हो गई हैं। वे झोपड़ियों में रहते हैं जिनकी दीवारें भी अब गिर रही हैं। उनके घर बहुत छोटे छोटे हैं जिसमें इंसान और जानवर एक साथ रहते हैं, क्योंकि जानवर को ये पालते थे और इनके पास कोई और जगह नहीं होती थी जानवरों को रखने के लिए। एनिस जंग मुकेश के घर जाती हैं। मुकेश के फादर उन्हें बताते हैं कि वे अपने बेटों को गरीबी के कारण शिक्षा नहीं दे सके, उन्हें सिर्फ बैंगल बनाना ही सिखाया है। यहाँ तक कि अपने घर को वो रिनोवेट भी नहीं कर सके हैं। जब वे मुकेश की ग्रैंड मदर से मिलती हैं तो वो कहती हैं कि उनके हस्बैंड अंधे हो गए हैं। वो भी पहले बैंगल इंडस्ट्रीज में काम करते थे, बैंगल्स बनाया करते थे। उनके अंधे होने का कारण वो भाग्य को मानती हैं। वे कहती हैं कि अंधा होना उनके भाग्य में लिखा था, पर उनको पता नहीं था अंधे होने का कारण उनका भाग्य नहीं बल्कि बैंगल्स को पॉलिश करते समय जो पाउडर उनके आँखों में चला जाता था, इससे वे अंधे हो गए हैं। वो बहुत ही गरीबी में जीते हैं जहाँ दो वक्त का खाना जुटा पाना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। वे कहते हैं कि वे लोग सालों से बैंगल्स बनाते हैं। उनकी आंखें अंधेरों में काम करते हुए अब एडजस्ट हो गई हैं। वहीं सविता, जो कि एक यंग गर्ल है, एल्डरली वुमेन के साथ बैंगल्स पीसेस को ज्वाइन कर रही है। वो इतनी छोटी है कि उसे चूड़ियों का महत्व नहीं पता है। चूड़ियाँ भारतीय नारियों के सुहाग का प्रतीक है। ऑथर कहती हैं कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो इसका महत्व पता चल जाएगा। समय के साथ फिरोज़ाबाद में कोई बदलाव नहीं आया है। वहाँ ना तो कोई प्रोग्रेस है ना कोई डेवलपमेंट है। दिमाग को सुन कर देने वाला सालों का मेहनत ने युवाओं के पहल करने की इच्छा को भी मार दिया है। ये लोग खुद का कोऑपरेटिव भी नहीं बना सकते हैं क्योंकि बिचौलियों उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका शोषण करते हैं। उनके बीच कोई नेता नहीं है। वहाँ दो दुनिया एक
दो दुनिया है, एक बैंगल्स बनाने वाले का जो कि गरीबी के जाल में जकड़े हुए है, दूसरा दुनिया है साहूकार मिडिलमैन और पुलिस वालों का जो उन्हें लूटता है एक्सप्लॉइट करता है। इन सब कंडीशन हालातों के बीच भी मुकेश सपने देखने का हिम्मत करता है, वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। एनिस जंग मुकेश से पूछती हैं कि क्या वह प्लेन उड़ाना चाहता है। इस पर मुकेश कहता है नहीं, वो तो कार चलाना चाहता है। एनिस जंग उससे यह इसलिए पूछती है क्योंकि फिरोजाबाद के ऊपर से कुछ जहाज भी उड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होता है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स समझ लेते हैं। पहला वर्ड है स्क्राउंज, जिसका मीनिंग है सर्च। दूसरा वर्ड है ग्लिबली, मीन्स थॉटलेसली। तीसरा वर्ड है एम्बैरेस्ड, मीनिंग फीलिंग ऑकवर्ड। फोर्थ वर्ड है रोम, मीनिंग वैंडर्स अबाउट। फिफ्थ वर्ड है परपेचुअल, मीनिंग एवरलास्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है डिंजी सेल, मीनिंग डार्क स्मॉल रूम्स। नेक्स्ट वर्ड है क्रम्बलिंग, मीनिंग फॉलिंग। नेक्स्ट वर्ड है रिनोवेट, मीनिंग रिस्टोर टू गुड कंडीशन। अपैथी मीनिंग हेट्रेड, विसिस मीनिंग ईवल। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।